करके काम काज सारे अच्छे से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए छोरा देखने गया था आज। पहले थारी छोरी नो तो देख ले, अब बार मारी उम्र ही की है बापू। माँ से ज्यादा बकबक कर लेवे है, और कितनी उम्र चाहिए तने? देख छोरी, जो करना ससुराल में करिए। अब बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। तेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने। एहसान मान, जो अब तक जिंदा है तू, कहीं बचपन में गड़ा दबा के मार दिया होता ना तो ये बक बक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किस किसनो मारेगा? मुझे जबान चलावे है, मुझे जबान चलावे है बापू। कान खोल कर सुन छोरी, जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहाँ से चालेगी? और जो जबान यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूंक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और के दे दिया। घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू, बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं। जे किताबों का कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया, देख जे किताबें डिग्रियां किससे। जे किताबें डिग्रियां, जे सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे, छोरियों के हाथ मेहंदी ठीक लगती है, समझी? ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज किताब काम तमाम कर दूं। बापू, बापू नहीं, बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब, जी जी, वो पानीपत और रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बापू मने शादी ना करनी बापू, बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूँ बापू। छोरी, कुछ पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ बन के बैठेगी। देख, ब्याह तो तेरा होगा और रिब तो कल की कल होगा। दारू पी के तन्ने तो अपनी जिंदगी खराब करी ली है। एक छोरी थी थारी, वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया तन्ने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, मने मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। जय डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम, क्या बात है? डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली।
मैं गरीब बदले में अपने के दे सकूं? वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती हैं। ये मैडम पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा। गुड्डी? हाँ, वही गुड्डी जिसके हाथ पीले करके सारा जीवन काला करना चाहता था तू बापू। ना ना गुड्डी, 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 मुझे माफ कर दे बच्ची। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है, याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तूने मुझ पर किया था? ऐसा ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किस किसनो मारेगा? गुड्डी, गुड्डी मुझे माफ कर दे, मेरी बच्ची मैं तेरा गुनेगार हूँ, एहसान तो मैं तेरा मानता हूँ। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने समान है, एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू। उपकार मानता हूँ तू जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र कुछ ना मांगा, मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा, वरना सच तो यो है कि मुझ जैसा भाग तेरी बराबरी कर सके इसके लायक भी नहीं।